गाइस, आज मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं 11th और 12th का सिलेबस डालूंगी। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन तीनों सब्जेक्ट्स की मैं सीरीज बना रही हूँ जिसमें 11th प्लस 12th दोनों का सिलेबस आएगा, जो कि नीट, एम्स, बोर्ड्स इन सब के लिए यूजफुल है। अब आपके पास अगर ये वाली एनसीईआरटी की बुक होगी तो ये बाहर निकालें और इसमें से मैं पढ़ाने वाली हूँ। इसमें मैं जो कुछ भी हाईलाइटेड पार्ट्स आपको बताऊंगी, सिर्फ आपने उतने भी कर लिए तो आपका पूरा लेसन प्रिपेयर हो जाएगा। और आप कोई भी वीडियो देखेंगे, कहीं पे भी जाएंगे तो आपको यही आईएमपी मिलेगी, तो यही अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। यही आपको बोर्ड्स में, नीट्स में, एम्स में, सब में काम आ जाएगी। तो चलिए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें कि चैप्टर वन है द लिविंग वर्ल्ड, जो आज हम लेने वाले हैं। तो देखिए, जो हाईलाइटेड पार्ट्स है सिर्फ हम वही लेंगे, इससे ही आपका पूरा लेसन प्रिपेयर हो जाएगा। और अगर आप चाहे तो बाद में पूरा लेसन अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। सिस्टमेटिक एंड मॉन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स ब्रॉट इन आउट ऑफ नेसेसिटी, डिटेल सिस्टम्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। अगर हमको लाइफ फॉर्म्स की डिस्क्रिप्ट स्टडी करनी है, सिस्टमेटिकली उसको स्टडी करना है लाइफ फॉर्म्स को, तो हमें उसका आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन तीनों निकालना होगा। इसके बाद इस पैराग्राफ में कुछ भी आईएमपी नहीं है, सिर्फ इतना प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद एक साइंटिस्ट है जो कि 5 जुलाई 1904 को जर्मनी में बॉर्न हुआ था, उनका नाम है अर्नस्ट मेयर। ये साइंटिस्ट का नाम आप ध्यान में रखिए, जिनको द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। और ही वॉज पियोनर द करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल स्पीसीज। और उसने, साइंटिस्ट ने, अर्नस्ट मेयर ने जो बायोलॉजिकल स्पीसीज हैं उनको भी डिफाइन किया था, जो कि करंटली हम लोग जो स्पीसीज की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो इन्होंने ही बताई हुई है। इसके बाद है ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोड़ देना। व्हाट इज लिविंग? तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल ग्रो करते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, सबकी ग्रोथ होती है। और इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के दो कैरेक्टरिस्टिक है, एक है इंक्रीज इन मास एंड अदर वन इज इंक्रीज इन नंबर। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ग्रोस बाय सेल डिविजन। कोई भी ऑर्गेनिज्म कब ग्रो करता है? जब इसकी सेल्स डिवाइड होती है। सेल्स डिवाइड होके बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसका मतलब है कि उसकी ग्रोथ हो रही है। और इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो उनके पूरे लाइफ स्पैन में उनकी ग्रोथ होती रहती है। और जो एनिमल्स है, दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टन एज। एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है वो किसी एज तक ही हमको दिखाई देती है, एट अ सर्टन एज वो स्टॉप हो जाती है। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ जो होती है अंदर से होती है, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंट्रिंसिक टाइप की ग्रोथ होती है, वहां पे आप नोट भी कर दीजिए। ग्रोथ देयरफॉर कैनॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए, पत्थरों पर पत्थर अगर चढ़ गए तो पहाड़ भी बन जाते हैं, मतलब वो पहाड़ तो अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हुआ, मतलब ग्रोथ तो उसकी भी हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो हो रहा है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो हो रहा है। तो ग्रोथ को हम एक ऐसी प्रॉपर्टी नहीं कंसिडर कर सकते कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करे, क्योंकि वो पर्टिकुलरली लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं डिफाइन कर रहा है। ग्रोथ तो नॉन लिविंग्स की भी हो रही है वहां पे। तो इसके बाद है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन को भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक कैरेक्टरिस्टिक्स के जैसा मान सकते हैं। यहाँ पे फंगाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। फंगाई जो होता है, फंजी, वो मल्टीप्लाई होते हैं, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होते हैं, इजिली स्प्रेड होते हैं, क्योंकि वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके वो स्प्रेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है जैसे यीस्ट और हाइड्रा, वो बडिंग से रिप्रोड्यूस होता है। यह आपका 10th में हो चुका है तो ये बताने की जरूरत नहीं है। बाद में प्लानरिया जो कि फ्लैटवर्म्स है, इसमें रीजनरेशन होता है, यानी कि अगर इसका एक पार्ट लॉस्ट हो जाए या कट हो जाए तो वो जो कट हुआ हुआ पार्ट है उसपे से एक नया प्लानरिया बन सकता है। जैसे अगर प्लानरिया मैंने बीच में से काट दिया तो उसका जो टेल पार्ट होगा वो एक नया प्लानरिया बन जाएगा, और जो उसका हेड पार्ट है उससे भी एक नया प्लानरिया बन जाएगा, ठीक है। तो और है इसमें द फंजाई, द फिलामेंटस अल्गी, द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस ऑल इजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। ये सब फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लाई होते हैं।
इसके बाद है यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलर अल्गी और अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ दैट इज इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स. ओके, देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस. और कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस ही नहीं करते, जैसे म्यूल्स है, स्टेराइल वर्कोबीज है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स है जो कि इनफर्टाइल होते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं. तो हेंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैनॉट बी ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अगर कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब है रिप्रोडक्शन को हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की पर्टिकुलर डेफिनेशन के तौर पर नहीं मान सकते हैं. और इसके आगे है अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म भी एक लाइफ का कैरेक्टर है, जिसमें भी जो देखिए हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं केमिकल से बने हुए होते हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और वो कंटिन्यूअसली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते रहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है हमारे अंदर. तो इसका मतलब है कि मेटाबॉलिज्म हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक है. और मेटाबॉलिज्म यानी होता क्या है ये हम आगे देखेंगे. देखिए द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन योर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म यानी कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारे अंदर हो रही है उसकी अगर हम टोटल करेंगे तो हमको मेटाबॉलिज्म मिल जाएगा. ऑल लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म. नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म. कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकता. ये कैरेक्टर सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का होता है. इसके बाद है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस. जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी इन विट्रो जो देखिए अब वो नॉन लिविंग है लेकिन उसमें जो रिएक्शंस हो रही है वो लिविंग की होती है. इसका मतलब है कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म. ठीक है, all organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to environmental cues. देखिए जितने भी organisms हैं prokaryotes से eukaryotes, small से लेके complex structure तक जो है सब environment जो हमको बताता है, जो clues देता है उसको sense करते हैं और उसके हिसाब से उसको respond भी करते हैं. Photoperiod affects reproduction in seasonal breeders, both plants and animals. जो seasonal breeders होते हैं यानी वही particular season में वो reproduction कर सकते हैं, उनको भी environment से फर्क पड़ता है, environment उन पे भी affect करता है. All organisms handle chemicals entering their body. सारे organisms में उनके body में chemicals secrete होते हैं, chemicals वो handle करने की उनमें power होती है. यह इसका मतलब है कि सारे organisms अपने surrounding से aware हैं. Human beings is the only organism who is aware of himself. Human being एक एकलौता ऐसा animal है कि organism है जो कि अपने खुद के बारे में aware है, यानी मतलब ही है. He is self-conscious. Consciousness therefore becomes the defining property of living organism. Consciousness एक living organism की defining property के जैसा हम मान सकते हैं. और देखिए यहाँ पे ये line बहुत important है कि human beings is the only organism who is aware of himself, that is has self-consciousness. उसके बाद we can say that living organisms are self-replicating. अब देखिए हमने यहाँ पे इतने सारे points देखे ऊपर, तो इसमें से हमको क्या चलता है कि जो living organism है वो self-replicating है, इवॉल्व करते हैं खुद को, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम्स रहती है उनके अंदर, एक्सटर्नल स्टिमुलस को वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. ठीक है, ये सब उनके अंदर होता है जो कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है कि हाँ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है. उसके बाद है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. देखिए ये पैराग्राफ में सिर्फ इतनी लाइन इंपॉर्टेंट है कि हमारे अर्थ में, पूरे अर्थ में जितने ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उनका नंबर यहाँ पे दिया है 1.7 to 1.8 million. ये आपको ध्यान में रखना है. इट इज द टोटल नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ. बाद में द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम सच एज अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर. देखिए अभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक पर्टिकुलर नेम दिया जाता है, ऐसा नेम जो नाम से उसको पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है वो नाम को हम लोग बोलेंगे नोमेनक्लेचर, जो यूनिवर्सल हो. और नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू. दिस इज आइडेंटिफिकेशन. और देखिए नोमेनक्लेचर हम कब दे सकते हैं, कोई भी चीज को हम नाम कब दे सकते हैं, जब वो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमको करेक्ट इंफॉर्मेशन पता हो, उसको हमने डिस्क्राइब किया हो, जब उसके बारे में हमको सब कुछ पता है तभी हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे. तो नोमेनक्लेचर करने से पहले हमको उसका आइडेंटिफिकेशन करना होगा, पहले आइडेंटिफिकेशन फिर हम उसको नाम दे सकते हैं यानी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं. तो प्लांट्स के लिए जो साइंटिफिक नेम्स दिए हैं फॉर प्लांट्स,
वो है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN. इसका फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा, प्लांट्स का कौन सा और एनिमल्स का कौन सा है. अभी देखिए नीचे एनिमल्स का भी दिया हुआ है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर यानी ICZN. द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम. ये साइंटिफिक नेम्स जो होते हैं, ये ऐसा नहीं होगा कि दो एनिमल्स है, दो ऑर्गेनिजम्स है और उनको सेम ही साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, ऐसा कभी नहीं होता. हर एक ऑर्गेनिज्म को अपना अलग एक साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है. ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स, और हर नाम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, हर नाम में दो कंपोनेंट्स यानी दो वर्ड्स में लिखे जाते हैं वो. द जेनेरिक नेम, जो पहला वर्ड होता है उसको हम लोग जेनेरिक नेम बोलते हैं, एंड द स्पेसिफिक एपिथेट, जो आखिरी का यानी सेकंड नंबर का वर्ड होता है उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक एपिथेट. दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर. ये जो सिस्टम है जिसमें हम लोग दो कंपोनेंट्स में यानी जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, ऐसे दो कंपोनेंट्स में अगर हम कोई ऑर्गेनिज्म को नाम दे रहे हैं यानी कि हम वो नाम को बोलेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर. भाई यानी दो दो कंपोनेंट्स में हम लोग अगर नाम देंगे तो उसको हम बोलेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर. और ये जो सिस्टम थी नेमिंग की सिस्टम, ये बताई थी कैरोलस लिनेस ने. ये साइंटिस्ट का नाम भी आपको याद में रखना है, वो बायोलॉजिस्ट है. बाद में हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल रूल्स नोमेनक्लेचर के. अब हमको ऑर्गेनिजम्स को नाम तो देना है लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स भी फॉलो करने होते हैं जो कि यूनिवर्सल है. तो उसमें अब फर्स्ट है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन. अब देखिए बायोलॉजिकल नेम जो कि हम मैंगो को बोलते हैं मैग्निफेरा इंडिका, मैंगो को मैग्निफेरा यहाँ पे दिया हुआ है, मैंगो को मैग्निफेरा इंडिका. तो जो बायोलॉजिकल नेम्स है वो हमेशा लैटिन में रहते हैं. लैटिन में क्यों? क्योंकि लैटिन ऐसी लैंग्वेज है जो कि ज्यादातर यूज नहीं की जाती है, तो इसलिए लैटिन में ज्यादातर ये दिए जाते हैं. एंड रिटन इन इटैलिक्स, और इटैलिक्स में लिखे जाते हैं यानी थोड़े ऐसे आड़े लिखे जाते हैं. दे आर लैटिनाइज और डिराइव फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन यानी कि वो कहीं से भी ओरिजिनेट हुए हो लेकिन उसको नाम जो देंगे हम लैटिन में ही देंगे, चाहे वो फिर कहीं से भी ओरिजिनेट हुए हो, कहीं से भी आए हो. फिर सेकंड पॉइंट है द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस. अभी दो नाम है, जैसे अभी मैंगो में दो दिए हुए हैं मैग्निफेरा इंडिका, तो ये जो फर्स्ट नेम है द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस यानी मैग्निफेरा यहाँ पे क्या हुआ जीनस. और जो सेकंड वर्ड है सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट. ये जो सेकंड वर्ड हुआ इंडिका ये क्या डिनोट करता है स्पेसिफिक एपिथेट. बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम When handwritten are separately underlined. अगर हम हाथ से बायोलॉजिकल नेम लिख रहे हैं तो अपने को अंडरलाइन करते वक्त उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा, जैसे जीनस को सेपरेटली और उसके स्पीसीज को सेपरेटली. देखिए स्पीसीज और स्पेसिफिक एपिथेट एक ही होता है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना. और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन. और अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो उसको इटैलिक्स में लिखना पड़ेगा यानी तिरछा लिखना पड़ेगा. द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर. देखिए अब जीनस जो होता है उसका जो फर्स्ट वर्ड है जैसे यहाँ पे एम कैपिटल दिया हुआ है, व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट और ये स्पेसिफिक एपिथेट है इंडिका, इसका जो फर्स्ट लेटर आता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है. नेम ऑफ द ऑथर अपियर्स फ्रॉम द स्पेसिफिक एपिथेट आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट. अभी देखिए जो जो ऑथर ने उसको नाम दिया है उसका नाम भी देना पड़ेगा, तो उसका नाम हम लोग स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में देंगे यानी जीनस स्पेसिफिक एपिथेट और वो साइंटिस्ट का नाम एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम. बायोलॉजिकल नेम खत्म होने के बाद वो भी एब्रिवेटेड फॉर्म में यानी शॉर्टकट में, जैसे कि फिजिक्स को हम पीएच भाई लिखते हैं, बायोलॉजी को बी आई ओ लिखते हैं, ऐसे फॉर्म में लिखना है. जैसे यहाँ पे देखिए मैग्निफेरा इंडिका लीन, ये लीन क्या है लिनेस, लिनेस का एब्रिवेटेड फॉर्म है, तो ऐसे ये लिखा जाता है. यहाँ पे हो गए हमारे रूल्स. इसके बाद में है क्लासिफिकेशन इज द process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. Classification एक ऐसी process है जिसमें हम कोई भी चीज के groups कर सकते हैं, उनको categories में अलग अलग categories में divide कर सकते हैं, उनको उनके characters देख के कि हाँ इसमें ये similar characteristic है तो इसको ये groups में हम लोग डालेंगे, फिर वो जो groups तैयार होंगे उसको हम नाम देंगे categories, ठीक है. इसके बाद में है बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा. अब उसके जो भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर्स शो कर रहा है उसके हिसाब से हम लोग उसको अलग अलग टैक्सा में क्लासिफाई करते हैं, और ये जो प्रोसेस होती है क्लासिफिकेशन की इसको हम लोग बोलेंगे टैक्सोनॉमी.
External and internal structure along with the structure of cell, development, process and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomical study. देखिए अपने को अगर modern taxonomical study करनी है तो उसमें हम लोग को ecological information चाहिए, development process के बारे में, उसके cell के structure के बारे में, उसके external और internal structure के बारे में पूरी जानकारी चाहिए. ये जो थी चीज based on the characteristics, this process is called taxonomy, ये वाली ये पहले use की जाती थी, लेकिन अब जो है ये modern taxonomy में ये सब use किया जाते हैं modern taxonomic studies में. Hence, characterization, identification, classification and nomenclature are the process that are basic to taxonomy. यानी कि taxonomy का basis क्या है जो हमने अभी पढ़ा, identification करना, उसका classification करना और उसका nomenclature करना, यानी उसको नाम देना. फिर उसके बाद है systematics. अब systematics क्या होता है? The word systematics is derived from the Latin word systema. जो systematics जो word है वो एक Latin word से derive किया है, systema. Systema यानी कि systematic arrangement of organisms. Organisms को अपने को systematically arrange करना है systematics में. Linnaeus used Systema Nature as the title of his publication. Linnaeus ने जो publication निकाला था उसका title उसने दिया था Systema Nature, ये भी आपको याद रखना है. The scope of Systema was later enlarged to include identification, nomenclature and classification. इसमें जो सिस्टमा होता है इसमें भी आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन सब आता है. सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिजम्स में क्या रिलेशन है, वो कौन से ऑर्गेनिज्म से कौन से ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं, वो पूरा जो डाटा है पूरा अकाउंट सिस्टमैटिक्स में होता है, यानी कि वो सिस्टमैटिकली अरेंज किया हुआ होता है. बाद में है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज. Classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represents a rank or category. Classification देखिए एक step नहीं होती है, इसमें क्या होता है बहुत सारी steps आती है. तो एक step को हम बोलेंगे rank और category, rank या फिर category, ठीक है. तो वैसे तो यहाँ पे category ध्यान में रखिए. देखिए classification में एक स्टेप नहीं होती है, बहुत सारी स्टेप्स होती है और उसमें की जो एक स्टेप होती है उसको हम बोलेंगे कैटेगरी, ठीक है. तो कैटेगरी क्या हुई फिर, पूरे टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का एक पार्ट हुआ. कैटेगरी यानी पूरे टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का एक पार्ट. इट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की. और अगर पूरे कैटेगरीज को हमने एक साथ में ले लिया, टुगेदर कर दिया, तो क्या फॉर्म होगा, टैक्सोनॉमिक हायरार्की. ईच कैटेगरी referred to as a unit of classification in fact represents a rank and is commonly termed as taxon. तो हर एक category क्या करती है, हर एक category को हम एक unit बोलेंगे, classification का unit जो कि rank बताता है, जिसको हम taxon बोलेंगे plural में taxon. अगर singular है एक step है तो हम लोग taxon बोलेंगे, ठीक है. Taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example. Insects represent a group of organisms sharing common features like three pairs of jointed legs. Okay, ये सब आप पढ़ सकते हैं. Each rank or taxon in fact represents a unit of classification. देखिए हर एक step, हर each rank बोला हुआ है, यानी हर एक step, हर एक taxon क्या represent करता है, एक unit. Classification का सिर्फ एक unit, एक step यानी कि classification का एक unit. फिर एक किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ये क्या है, कैटेगरीज है, यानी स्टेप्स के नाम है. वो जो स्टेप्स मैंने बताई थी, रैंक एक के ऊपर एक स्टेप्स है, तो वो स्टेप्स के नाम बताए हुए हैं. पहले किंगडम, सबसे ऊपर की स्टेप किंगडम, उसके नीचे फाइलम, उसके नीचे डिवीजन. देखिए फाइलम और डिवीजन एक ही है, सिर्फ एनिमल्स के लिए हम लोग फाइलम यूज करते हैं और प्लांट्स के लिए डिवीजन यूज करते हैं. फिर उसके नीचे की स्टेप आएंगी क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. ये आपको सीक्वेंस वाइज लर्न करना पड़ेगा, इधर उधर हुए हुए नहीं चलेंगे, सीक्वेंस वाइज लर्न करना पड़ेगा. स्पीसीज एट द लोएस्ट कैटेगरी. और अगर हम लोग देखिए चार्ट में देखेंगे तो स्पीसीज हमको लोएस्ट कैटेगरी दिखेंगे, स्पीसीज सबसे नीचे होता है, ठीक है. सबसे ऊपर किंगडम और उसके नीचे फिर स्पीसीज. अब देखिए स्पीसीज क्या होता है, a group of individual organisms with fundamental similarity as a species. Organisms का group, individual organisms है, अकेले अकेले organisms थे, सब अलग अलग थे, फिर हमने उसमें similarities ढूंढी और जो similarities ढूंढी उसके basis पे हमने उसके groups किए, तो वो group को हम बोलेंगे species.
ठीक है, जो सिमिलैरिटीज के बेसिस पे हमने ग्रुप्स किए वो ग्रुप को हम बोलेंगे स्पीसीज। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी। हर एक जीन में एक या एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट्स हो सकते हैं। जैसे जीनस एक है, जीनस एक है और उसके आगे जो हम स्पेसिफिक एपिथेट लिखते हैं वो अलग अलग है, और जिनकी क्या होती है हैविंग सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल, हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज, जिसमें वो दिखने को एक जैसे होते हैं, दिखने को एक जैसे हो तो उनके जीनस सेम होता है, सिर्फ उसके जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो अलग अलग होते हैं। फिर देखिए जीनस, जीनस क्या होता है, जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जीनेरा। जीनस एक ऐसा ग्रुप है, देखिए अपने अपन ने अभी स्पीसीज देखे, स्पीसीज में क्या देखा कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अकेले अकेले थे इंडिविजुअल, उनमें अपन ने सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स देखे और उसके हिसाब से उसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया, अलग अलग इसमें डाला, यानी वो ग्रुप को हमने बोला था स्पीसीज। फिर अभी स्पीसीज के ग्रुप्स तो ऑलरेडी बने हुए हैं, फिर वो स्पीसीज के ग्रुप्स में अपने को सिमिलैरिटीज ढूंढनी है कि ये वाले स्पीसीज में कुछ तो भी सिमिलैरिटी है, फिर वो सिमिलैरिटीज को मिक्स करके जो बनेगा उसको बोलेंगे हम जीनस। ठीक है, फिर उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज। देखिए अभी दो डिफरेंट स्पीसीज है, दो ग्रुप्स है, दो स्पीसीज के ये है, बट बोथ बिलोंग टू जीनस सोलैनम, दोनों सोलैनम से बिलोंग करते हैं, जीनस एक ही है, स्पीसीज अलग अलग है, जीनस एक ही है। जैसे देखिए लॉयन है, पैंथेरा लियो, लियोपॉड, पैंथेरा पार्डस, टाइगर, पैंथेरा टाइग्रिस। देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, पैंथेरा, जीनस सेम है लेकिन जो स्पीसीज है वो अलग अलग है, क्योंकि स्पीसीज तो हमने ऊपर से लिया और जो जीनस था वो सेम है, क्योंकि स्पीसीज में से अपने कॉमन कैरेक्टर्स ढूंढ के उसको पैंथेरा ये नाम के जीनस में डाला। ठीक है, जिसमें देखिए और आगे ये लास्ट लाइन जो है, जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स कैट्स, ये नाम ध्यान में रखिए सिर्फ कि फेलिस जो जीनस होता है उसमें कैट्स आते हैं सारी। देन है फैमिली, फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विच स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। फैमिली एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें अभी ग्रुप्स जो देखे थे अपन ने, जीनस जो देखे थे वो जीनस में से और सिमिलैरिटीज ढूंढते, और सिमिलैरिटीज ढूंढना उसमें से, फिर वो सिमिलैरिटीज फिर एक साथ में करना, फिर वो जो ग्रुप्स बनेंगे और उसको बोलेंगे फैमिली। ऐसा ग्रुप जिसमें अपन ने क्या किया, जीनस में सिमिलैरिटीज ढूंढ के वो बनाया, पहले स्पीसीज थे, स्पीसीज में सिमिलैरिटीज ढूंढे, जीनस बनाया, फिर जीनस के जो ग्रुप बने उसमें सिमिलैरिटीज ढूंढे, फिर फैमिली बनाई। ठीक है, फिर फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज। ओके, थ्री डिफरेंट जेनेरा, सोलैनम, पेट्यूनिया एंड डेटूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलैनेसी। देखिए सोलैनेसी नाम के फैमिली में अपन ने क्या किया, जीनस रखे, जीनस जेनेरा एक ही है, सोलैनम, पेट्यूना, डेटूरा, ये तीनों जीनस अपन ने फैमिली में रखे सोलैनेसी नाम के। ठीक है, जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लॉयन, टाइगर, लियोपॉड इज पुट अलोंग विथ जीनस फेलिस इज द फैमिली फेलिडी। देखिए फेलिस नाम की जो मैंने कैट्स के ऊपर बताई थी उसके पूरे फैमिली अगर बनाई तो उसका नाम होगा फेलिडी, और नीचे दिया हुआ जो है फेलिडी और कैनेडी, ये कैट्स के और डॉग्स के है, फेलिडी कैट और डॉग के, कैनेडी। ठीक है, ये ध्यान में रखना। फिर उसके बाद है ऑर्डर, ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ट ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। अभी ऑर्डर क्या करना है, ऑर्डर में क्या करना है, और जो अपन ने अभी किया फैमिली, फैमिली में और फैमिली के ग्रुप्स में सिमिलर कैरेक्टर्स ढूंढो, फिर वो सिमिलर कैरेक्टर्स को एक में लाओ, एग्रीगेट करो उसको, और फिर जो ग्रुप्स बनेंगे उसको बोलो ऑर्डर। यानी देखो छोटे छोटे ग्रुप्स होते जा रहे हैं, सबसे ज्यादा थे पहले, फिर स्पीसीज में सबसे ज्यादा थे, फिर जीनस में, फिर फैमिली में, अभी ऑर्डर में कम हो गए ग्रुप्स थोड़े। ठीक है, ऑर्डर बींग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिली विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। इसमें हम फैमिलीज को एक में लाते हैं, उनके सिमिलर कैरेक्टर्स ढूंढ के उनको एक में लाते हैं।
एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिली लाइक फेलेडी एंड कैनेडी. देखिए अभी ऊपर हमने क्या देखा था कि फेलेडी और कैनेडी ये फैमिलीज हैं, ठीक है, और वो फैमिलीज को हमने क्या डाला, कार्निवोरा में डाला. कार्निवोरा क्या है, ऑर्डर है. दो फैमिलीज को हमने एक में करके उसको नाम दिया ऑर्डर, ठीक है. फिर है क्लास, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स. अब अपने क्या बनाया ऊपर, ऑर्डर बनाए, तो ऑर्डर में सिमिलर कैरेक्टर्स और ढूंढ के अपने क्लास बनाया. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है प्राइमेट, प्राइमेट्स में कौन कौन आता है, मंकी, गोरिला, गिबोन. अभी प्राइमेट तो ऑर्डर है, फिर ऑर्डर में ये सब आते हैं और इन सबको मिला के मैमल्स, फिर मंकी, गोरिला, गिबोन, इन सबको मिला के कॉर्निवोरा, ये सब काय में आते हैं, क्लास. अगर हमने इसमें से ये ढूंढे, सिमिलर कैरेक्टर्स ढूंढे और इनको इकट्ठा किया तो उसका बनेगा क्लास, क्लास मैमेलिया. इन सबको मिला के कौन सा क्लास बना, मैमेलिया. देखिए फाइलम, क्लासेस बेस्ट ऑन कॉमन फीचर्स. अभी इसमें क्या होगा, जो ऊपर हमने किया क्लास, फिर उसमें और कॉमन ढूंढे और बनाया क्लास जिसमें और कॉमन फीचर्स होंगे, और छोटा हो गया, और छोटा हो गया. अभी ग्रुप्स इसमें छोटे हो गए और कम हो गए, फिर इसमें क्लासिफिकेशन और करेंगे, उसमें नोटोकॉर्ड है कि नहीं, उसमें हॉलो न्यूरल सिस्टम है कि नहीं, फिर उसमें से और बनाएंगे, उसको छोटा छोटा करते जाएंगे. फिर अभी ये क्या था, फाइलम. फाइलम मैंने फर्स्ट पेज पे बताया था कि फाइलम क्या रहता है, जो एनिमल्स के रिलेटेड होता है, और जो डिविजन रहता है वो प्लांट से रिलेटेड रहता है. तो देखिए इन केस ऑफ प्लांट्स, क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू हायर कैटेगरी कॉल्ड डिविजन. अगर प्लांट्स के केस में ऐसे सिमिलैरिटीज हमने क्लास में से इकट्ठा की तो उसको हम बोलेंगे डिविजन, और वही अगर एनिमल्स के इसमें से इकट्ठा की तो उसको बोलेंगे फाइलम, ठीक है. फिर आगे है किंगडम. देखिए यहाँ पे बाजू में दिया हुआ है, सबसे ज्यादा कम जो होता है वो है किंगडम, फिर उससे ज्यादा होते हैं फाइलम में या फिर डिवीजन में, फिर उससे ज्यादा ग्रुप्स होते हैं क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. यानी जैसे जैसे ऊपर जाते हम स्पीसीज से किंगडम तक, वैसे वैसे ग्रुप्स कम होते जा रहे, क्योंकि सिमिलैरिटीज डिक्रीज होती जा रही है उसके अंदर, ठीक है. फिर यहाँ पे है किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी. अभी किंगडम तो देखिए हाईएस्ट कैटेगरी है यहाँ पे किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी है किंगडम, यानी कि इसमें सबसे कम ग्रुप्स आएंगे. हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम एनिमलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स. सारे एनिमल्स इसमें आते हैं, किंगडम प्लांट ही है तो सारे प्लांट्स इसमें आएंगे. फिर उसमें कुछ भी सिमिलैरिटी हो, कुछ भी डिफरेंस हो, सारे उसमें आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हाईएस्ट कैटेगरी है. फिर द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर. ये चार्ट में अपने को दिया है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए हुए सब. फिर इसके बाद में है एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग. देखिए जैसे हम लोग ऊपर जा रहे स्पीसीज से लेके हम लोग ऊपर किंगडम तक जा रहे, तो अपने को क्या दिख रहा कि जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कम कम होते जा रहे, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज हो रहे थे, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है. फिर ये चार्ट आपको करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करके रखना. तो फिर अगले वीडियो में जब मैं बनाऊंगी वीडियो तो ये बता दूंगी. फिर टैक्सोनॉमिकल एड्स, इट इज यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. टेक्सोनॉमिकल एड्स का यूज क्या है, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना, ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करना. अब ये होता क्या है, प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसिमेंस. ये एक प्रोसीजर है, एक टेक्निक है, जिसमें हमने जो स्पेसिमेंस बनाए हैं उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको प्रिजर्व करके रखो, उसको प्रोटेक्ट करके रखो, उसको संभाल के रखो. ऐसी प्रोसीजर जो होती है उसको बोलते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक है. फिर उसमें आता है हर्बेरियम. हर्बेरियम क्या है, इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स. हर्बेरियम एक ऐसा स्टोर हाउस है जिसमें हम लोग प्लांट्स के स्पीसीज को कलेक्ट करेंगे, उसको ड्राई करेंगे, सुखाएंगे, उसको प्रेस करेंगे और शीट्स में उसको प्रिजर्व करके रखेंगे. जैसे हम लोग प्रोजेक्ट करते थे ना बचपन में, ऐसे इधर पत्ते लगाते थे, दूसरे साइड में उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखते थे, वैसा. फर्दर दिस शीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. फिर उसको यूनिवर्सल एक्सेप्ट जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन के उसके हिसाब से वो शीट्स को अरेंज करेंगे. देखिए यहाँ पे डायग्राम में इधर दिख रहा है वो
ये पत्ता चिपका हुआ है, ये प्लांट स्पीसीज, और ये बाजू का जो पेज है इस पे हम लोग ये लिखेंगे उसका जो इंफॉर्मेशन है वो, ठीक है। दिस स्पेसिमेंस अलोंग विद द डिस्क्रिप्शंस ऑन हर्बेरियन शीट, फिर उसका डिस्क्रिप्शन पूरा वो हर्बेरियन शीट पे लिखा जाता है बाजू के पेज पे। द हर्बेरियम शीट ऑल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डेट एंड स्पेस ऑफ कलेक्शन। फिर वो हर्बेरियम शीट पे ये भी रहता है कि अपन ने वो प्लांट किधर से लाया, किधर से उठा के लाया, वो प्लेस कौन सी है कलेक्शन की, कौन से डेट पे लाया, वो भी रहता है। उसका इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बॉटनिकल नेम सब रहता है। उसकी फैमिली कौन सी है, कलेक्टर का नेम, किसने कलेक्ट किया, कौन से आदमी ने कलेक्ट किया, उसका भी नाम रहता है वहां पे। हर्बेरिया ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम्स इन टेक्सोनोमिकल स्टडीज। सबसे ज्यादा रेफरेंस हमको हर्बेरियम से ही मिलता है। अगर हम लोग टेक्सोनॉमिकल स्टडी करेंगे उसमें सबसे ज्यादा हेल्प हमको हर्बेरियम से मिलती है। फिर आता है बॉटनिकल गार्डन टेक्सोनॉमिकल एड्स में। अभी ये क्या है, ये स्पेशलाइज्ड गार्डन है होता है, जिसमें क्या होता है रेफरेंस के लिए हम लोग बहुत सारे लिविंग प्लांट्स कलेक्ट करके लाते हैं, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, ठीक है। फिर है द फेमस बॉटनिकल गार्डन आर एट क्यू इंग्लैंड। ये बॉटनिकल गार्डन कौन से है, कहाँ कहाँ पे है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे क्यू इंग्लैंड में है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में है, एंड एट नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया में है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। फिर है म्यूजियम। बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स एंड कॉलेज। म्यूजियम्स अपने स्कूल्स में, कॉलेज में, इसमें भी होते हैं। म्यूजियम्स हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। म्यूजियम में क्या होता है, प्लांट्स के, एनिमल्स के जो स्पीसीज होती है उस स्टडी के लिए उसको कलेक्ट करके रखते हैं, उसको रेफरेंस के लिए, स्टडी के लिए, इन सब को कलेक्ट करके रखते हैं। फिर कलेक्ट करके रखते हैं तो कैसे करते हैं, स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व इन द कंटेनर्स, कंटेनर में या जार में, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में उसको डाल के रखते हैं ताकि वो खराब नहीं हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे म्यूजियम। म्यूजियम्स ऑफन हैव कलेक्शंस ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स टू। म्यूजियम्स में एनिमल के कलेक्शन भी होते हैं, हड्डियों के सापड़े भी रहते हैं। और देखना ये अपनी स्कूल्स की लैब लैब जो होती है ना, बायोलॉजिकल लैब, बॉटनिकल लैब, इसमें भी दिखता है अपने को स्केलेटन, ये प्रिजर्वेटिव जार्स सब वहीं पे रहता है। फिर देखिए जूलॉजिकल पार्क्स, दिस आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट्स अंडर ह्यूमन केयर एंड विच एनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। ये जूलॉजिकल पार्क्स ऐसी प्लेस है जहाँ पे हम लोग वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि ह्यूमन केयर के अंडर में रहता है। और अपने को क्या फायदा है उससे कि अपन वो एनिमल्स के फूड हैबिट्स के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं अगर वो हमारे अंडर में रहे तो। ऑल एनिमल्स इन जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट। वो एनिमल्स को हम ह्यूमंस क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन उनके लिए प्रोवाइड करके देते हैं कि जो उनके नेचुरल हैबिटेट होती है, जिसमें रहने की उनको आदत है, ऐसी जगह उनको क्रिएट करके देना, वो काम है इसका, जूलॉजिकल पार्क्स का, ठीक है। फिर उसके बाद है की इज अनादर टेक्सोनॉमिकल एड, सबसे आखिर का टेक्सोनॉमिकल एड है। इसका यूज क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। एनिमल्स में, प्लांट्स में सिमिलैरिटीज कौन सी है, डिसिमिलैरिटीज कौन सी है, इसमें से वो आइडेंटिफिकेशन करता है। द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी अलग कैरेक्टर, कोई भी दो पेयर्स यानी कि कपलेट बोलेंगे हम उसको, कोई भी दो चीज में जो डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं उसके लिए, ठीक है। ईच स्टेटमेंट इज द की इन द की इज कॉल्ड अ लीड। जो की में हर एक लाइन होती है, हर एक स्टेटमेंट होती है, वो एक एक स्टेटमेंट को हम लोग लीड बोलेंगे। ये एक लीड, ये एक लीड, ये एक लीड, ये एक लीड, हर एक स्टेटमेंट को हम लोग लीड बोलेंगे, ठीक है। सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। अगर देखिए अपन ने अपनी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी रखी थी, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब, तो ये सबके लिए अलग अलग टेक्सोनॉमिक की लगती है। अपने को अगर जीनस की चाहिए तो वो अलग रहेंगी, फैमिली की चाहिए वो अलग रहेंगी, ठीक है। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, यानी कि कीज को हम एनालाइज कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग्स या अदर, जिसमें डिस्क्रिप्शंस वो प्लांट्स के, एनिमल्स के बारे में हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। देखिए फ्लोरा यानी जिसमें सब प्लांट्स के बारे में रहता है, और फौना यानी जिसमें सब एनिमल्स के बारे में रहता है, ठीक है।
Flora contains the actual account of habitat and distribution of plants of a given area. वो पर्टिकुलर एरिया में कितने प्लांट्स हैं, कैसे रहते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसका पूरा अकाउंट यानी कि फ्लोरा, ठीक है, उसमें सब रहता है. दिस प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया. वो पर्टिकुलर एरिया में जितने प्लांट्स हैं उनका पूरा इंफॉर्मेशन, उनके पूरा इंडेक्स फ्लोरा में रहता है प्लांट्स के बारे में, ठीक है. एनिमल्स का हो तो फौना रहेगा, ठीक है. Manuals are useful in providing information for identification of names of species found in an area. अभी manuals क्या रहती है, वो area में कौन से species है उनके नाम, वो particular area में ये species है, ये उनके नाम है, ऐसी information रहती है manual में. फिर monograph contain information of any one taxon. कोई भी एक taxon के बारे में अपने को information मिलेंगी monographs. कोई भी एक टेक्सोन के बारे में इंफॉर्मेशन अगर लेनी है तो उसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, मोनोग्राफ्स, ठीक है. अब देखिए इसमें जो मैंने हाईलाइटेड किया हुआ था वही सब इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी जाओगे आपको यही मिलेगा, तो यही रेफर करना, ठीक है. और फ्रेंड्स मैंने जो आपको हाईलाइटेड पार्ट दिया है वही अगर आप पढ़ोगे तो आपको 100% आपका पूरा लेसन प्रिपेयर हो जाएगा. तो यही रेफर करें. आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा. मैं केमिस्ट्री फिजिक्स ये भी स्टार्ट कर रही हूँ इसी चैनल पे, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं. बोर्ड्स नीट्स एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ज़रूर देखिए. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई टॉपिक के बारे में जानना है तो कमेंट में बता दीजिएगा. और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें और आगे की वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए.